भगवान नारायण ने कहा, हे मुनिवर, आप शिव जी की शरण में जाइए, वह आपका कल्याण जरूर करेंगे। ब्रह्मा जी से शिव स्तोत्र का पाठ सुनिए और शिव जी की वंदना कीजिए। फिर नारद जी ने ब्राह्मण वेशधारी गणों को भी देखा, उन्हें अपने द्वारा गणों को दिए गए शाप पर अत्यंत खेद हुआ, पर उनकी वाणी असत्य तो हो नहीं सकती थी। अतः नारद जी ने गणों के उद्धार के लिए उपाय भी बताए। नारद जी ने कहा, हे गण, तुम किसी श्रेष्ठ मुनि के घर जन्म लेकर राक्षस बनोगे और तुम्हें अतुल बल, प्रताप और ऐश्वर्य प्राप्त होगा। शिवगण उनकी आशीष वाणी को सुनकर प्रसन्न होकर चले गए। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि अब कृपा कर यह बताएं कि शिव के अनेक रूप क्या हैं, वे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। सूत जी ने शिव जी का पूरा वर्णन इस प्रकार किया। उत्पत्ति के आधार पर 4000 पुंज का ब्रह्मा रूपी मेरा एक दिन होता है, इतने ही परिमाण की रात्रि होती है, इसी परिमाण के आधार पर शिव जी की आयु 100 वर्ष होगी। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने और 1 माह में 30 दिन होंगे, परिमाण पूर्व निश्चित होंगे। शिव जी का 1 वर्ष विष्णु जी का 1 दिन होगा और इस रूप में उनकी आयु 100 वर्ष की होगी। विष्णु का 1 वर्ष शिव के 1 दिन के बराबर होगा। इसी क्रम में विष्णु 100 वर्ष के हो जाएंगे। रुद्र जी का 1 सांस ब्रह्मा, विष्णु और हर गंधर्व है। राक्षस तथा सर्पों का 2100 अहोरात्र का परिमाण होगा। रुद्र जी के श्वास लेने से 1 पल व्यतीत होता है और इस प्रकार 60 पलों की 1 घड़ी और 60 घड़ियों का रुद्र का 1 दिन होगा। रुद्र के श्वास लेने की संख्या में कोई गिनती होती ही नहीं, और जब सारी सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी तो केवल रुद्र ही रहेंगे और शासन करेंगे। विष्णु जी ने नारद जी को समझाया था कि आप शिव जी की अर्चना और पूजा कीजिए तो आपका कल्याण होगा। ऐसा कहकर विष्णु अंतर्धान हो गए। नारद जी पृथ्वी पर आकर विभिन्न स्थानों पर जाकर शिवलिंगों की पूजा करने लगे। यहाँ पर ही ब्राह्मण वेशधारी गण भी नारद जी को मिले, जिन्हें उन्होंने शाप के उद्धार का उपाय बताया था। ब्रह्मा और विष्णु ने सदा ही शिव जी की आज्ञा को शिरोधारी किया है। इससे शिव जी संतुष्ट होकर अंतर्धान हो जाते हैं। इस वृतांत को सुनकर सूत जी बोले कि तभी से संसार में शिवलिंगों की पूजा होती है। सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु ने लिंग पूजा को अपनाया था। सूत जी ने कहा, विधि विधान से प्रतिष्ठित लिंग की उपासना रिद्धि सिद्धि देने वाली है। गुणों की महत्ता के आधार पर रुद्र का श्रेष्ठ रूप स्वयं भगवान शंकर ही हैं। मुनियों ने सूत जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और शिव पूजन का विधि विधान बताने का अनुरोध किया। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी ने कहा कि ब्रह्मा से नारद जी ने, उपमन्यु से कृष्ण ने और सनत कुमार से व्यास जी ने यही प्रश्न किया था। सूत जी ने शिवलिंग की पूजा का विधि विधान ऋषियों को बताया। प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव भक्त को शिव, गुरुदेव और तीर्थों का स्मरण करते हुए
शिव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नित्य कर्म व स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात शिवलिंग की स्थापना करके 3 बार प्राणायाम और 3 बार आचमन करें। त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का उच्चारण करके शिव जी का ध्यान करना चाहिए। फिर प्रणव मंत्र से षड् न्यास करते हुए शिव जी की पूजा आरंभ करें। शिव भक्त वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए सहस्त्र जल धारा से शिवलिंग को स्नान कराएं। चंदन पुष्प मालाएं अर्पित करते हुए प्रणाम करें। अंजलि में पुष्प लेकर आप्त काम होने इच्छित फल पाने की कामना करते हुए शिवलिंग पर फूलों की वर्षा करें। मन से अपराधों की क्षमा याचना करके आचमन करें। फिर अपनी कार्य सिद्धि के लिए प्रयास करें। निश्चय ही शिव उन भक्तों पर कृपा करते हैं। पूर्व समय की बात है कि संसार के दुखों और कष्टों को देखकर ब्रह्मा जी के मन में उनके उपचार का विचार आया। वे अन्य देवताओं को लेकर विष्णु लोक को गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से प्रश्न किया कि दुरित विनाश के लिए किस देवता की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी बोले, बस एक भगवान रुद्रदेव की, जो सब दुखों का निवारण करते हैं, वे ही पूजनीय व सेव्य हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य के सभी दुरित नष्ट हो जाते हैं और सुख व मुक्ति के मार्ग सुलभ हो जाते हैं। विश्वकर्मा ने विष्णु जी के आदेश से अनेक शिवलिंगों की रचना की और उन्हें विभिन्न देवताओं को दे दिया।